हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको मोंगो डीबी में इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है। तो इंडेक्स क्रिएट करने से क्या होता है कि मोंगो डीबी में जब डेटा को सर्च करते हैं, रीड करते हैं, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर आप इंडेक्स नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या होता है कि मोंगो डीबी को पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, उसके बाद जहां पर भी उसको मैच मिलता है तब जो है वो आपको आउटपुट दिखाता है। और जैसे जैसे मोंगो डीबी में आपका डेटा जो है बढ़ता चला जाएगा, उसका साइज बड़ा होगा, तो आपका जो ये डेटा हैंडलिंग का काम है ये भी काफ़ी स्लो होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इंडेक्स क्रिएट किया होगा तो यह काम काफी फास्ट होगा। अब इंडेक्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बुक है और बुक में जो है हमेशा एक फर्स्ट पेज होता है जिसको हम लोग इंडेक्स पेज कहते हैं। उसमें एक चैप्टर का नाम लिखा होता है, वो चैप्टर कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है ये लिखा होता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक बुक देता हूं और उस बुक के अंदर जो है इंडेक्स पेज मौजूद नहीं है, फिर मैं जो है मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप जो इस बुक से एक चैप्टर जो ढूंढ के दीजिए, तो आपको क्या करना हो कि आपको उस पूरे बुक को जो है ऊपर से लेकर नीचे तक देखना होगा, फिर आप बता पाएंगे कि वो चैप्टर कहां पर मौजूद है। और जैसे जैसे बुक का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपको काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो वहीं पर अगर मैं आपको एक बुक दूं जिसमें ये इंडेक्स पेज मौजूद हो तो क्या होगा कि आप जो है तुरंत उस बुक में जाएंगे, इंडेक्स पेज को देखेंगे और कुछ ही सेकंड में आप मुझे बता देंगे कि ये जो चैप्टर ये कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो यही जो है बेनिफिट है इंडेक्स क्रिएट करने का। और अगर आप लोगों ने MySQL में वर्क किया तो उसमें भी आप लोगों ने इंडेक्स क्रिएट किया होगा, तो वहां पर जिस वजह से हम लोग इंडेक्स बनाते थे सेम उसी वजह से यहां पर भी इंडेक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे MongoDB के अंदर एक डेटाबेस मौजूद है और उसके अंदर जो मैंने दो कलेक्शन क्रिएट किया, एक का नाम है कोर्सेज, दूसरे का नाम है यूजर्स। यूजर कलेक्शन के अंदर ये वाला डेटा मौजूद है, तो हम लोग जो है यूजर कलेक्शन के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको लेके हम लोग इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको डीबी लिखना है, डॉट लगाना है, कलेक्शन का नाम लिखिए जो कि मेरे केस में यूजर, डॉट लगाइए, फिर आपको एनश्योर इंडेक्स करके एक इनबिल्ट फंक्शन है MongoDB का, आपको इसे कॉल करना है। इस फंक्शन के पैरामीटर में जाके आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है एक की का नाम लिखना होगा और ये की का नाम वो नाम होगा जो कि आपके इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है। जैसे कि आज मैं जिस की को लेके इंडेक्स क्रिएट करने वाला हूं वो ईमेल वाला की है, तो हम लोग इसके लिए यहां पर जो है ईमेल की का नाम इस तरीके से लिख देंगे, फिर हम लोग कॉलर लगाएंगे। इस ईमेल की पर जो वैल्यू मौजूद है इसको आप कौन से ऑर्डर में अरेंज करके जो है इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि छोटी जो वैल्यू होती है सबसे ऊपर होती है और बड़ी वैल्यू सबसे नीचे होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर होगी या सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे होगी। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके जो है इंडेक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके जो इंडेक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे -1 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो 1 लिख दिया, हम मुझे जो है असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स क्रिएट करना है। अब मान लीजिए अगर आप एक और की को जो है लेना चाहते हैं अपने इस इंडेक्स में, तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाइए, दूसरे वाले की का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया, फिर आप कॉलर लगाइए। सैलरी वाले की पर जो डेटा मौजूद है उसे आप कौन से ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप यहाँ पे -1 लिखेंगे। और यहाँ पर जो आप दो कीज पर जो ऑर्डर लिख रहे हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर की पर जो ऑर्डर लिखना है वो सेम रखना होगा। आप चाहे तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ -1 लिख दीजिए, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक की को लेकर ही जो है इंडेक्स क्रिएट करूंगा और मैंने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको F5 दबाना है, F5 दबाते ही जो है आपका ये क्वेरी जो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर जो आपका एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा जो कि ईमेल वाले की मदद से होगा। तो मैंने F5 दबाया, क्वेरी जो है एग्जीक्यूट कर चुका है और आप अब आप देख पाएंगे कि अगर आप कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे और फिर आप यूजर्स में जाएंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, तो ये देखिए आपका जो इंडेक्स है वो क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इंडेक्स क्रिएट करना है MongoDB में। अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।